अयोध्या शहर के अंगूरी बाग स्थित एक दुकान पर बीती रात तकरीबन 9 बजे भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। दुकान से आग की भीषण लपटें निकल रही थीं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। देर शाम को अचानक कोतवाली नगर स्थित वर्षा स्टेशनर एवं प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। दुकान में प्रिंटिंग का कार्य होता था। वहीं दुकान में कॉपी किताब रजिस्टर पेपर प्रिंटिंग की मशीन जलकर राख हो गई। दुकान में मौजूद सामान धू धू करके जल गया। ये अंगूरी बाग मोहल्ला है, इलाहाबाद बैंक के ठीक सामने ये रमेश चंद जायसवाल की दुकान है, उसमें प्रिंटिंग प्रेस चलता है। ये अभी 7 बजे दुकान बंद करके बाजार गए हुए थे, वहीं पर उनको भी सूचना मिली, किसी ने पड़ोसी ने दिया कि उसमें धुआं निकल रहा है, आप तुरंत आइए। जैसे ही मौके पहुंचे, शटर इन्होंने ही खोला तो देखे कि अंदर से आग निकल रही थी। उन्होंने तत्काल हम लोगों को सूचित किया और मौके पर हम लोग पहुंचे। फायर सर्विस के तुरंत बुलाया गया, आग पर तुरंत काबू पाया गया। किसी जानमान के नुकसान नहीं है, हाँ उनकी जो उसमें संपत्ति थी वो उसका नुकसान हुआ है। लमसम कितने की संपत्ति थी? अब उसका में प्रिंटिंग प्रेस है और छपाई के भी साधन है, लगभग कम से कम उनके 50,000 के तो स्टेशनरी सामान रखा होगा जो जल गया उनका।